ओम सायंकाल का, जैसे कि आप सबको पता है चितपिंडी सायंकाल का मंदिर आम जनता के लिए खोल दिया गया है। तो मंदिर के विकास कार्य अभी भी आरंभ हैं और ये चलते रहेंगे। अभी मंदिर के विकास कार्य में आप लोगों के सहयोग की हमें फिर से आवश्यकता है, तो कृपया करके मंदिर के विकास कार्य में सहयोग करें, ये सेवा निरंतर चलती रहेगी। ओम सायंकाल का। मंदिर में और दरबार में किसी भी प्रकार की धन की मांग नहीं की जाती। अगर आपको कोई भी इस तरीके की धन की मांग करता हुआ नजर आए तो कृपया आकर के मंदिर में सूचित करें। और मंदिर के विकास कार्य की सेवा चल रही है, वो आपकी श्रद्धानुसार है, आप कृपया उसमें सहयोग करें। जय माता दी। ओम सायंकाल का। मैं सुबह 7 बजे उठ गई थी, सोई में लेट थी और 2 बजे के अप्रोक्सीमेट सोई थी। आज है शनिवार, होली से पहले का शनिवार, जाना है मंदिर। और 7 बजे मैंने कविता जी को भी उठा लिया था और कहा था मुझे जूस पिला दो। तब से मैं इंतज़ार कर रही थी, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह की और उसके बाद मैं इंतज़ार कर रही थी कविता जी जूस लेके आए, लेकिन जूस आया नहीं 7:45 बजे तक। तो मैंने फ़ोन किया कविता जी को, कविता जी जूस नहीं आया। तो उन्होंने कहा माता जी आज जूस नहीं बन पाएगा क्योंकि सामान नहीं है, फ्रूट्स नहीं है। तो तुरंत मैंने फिर अभी नारियल पानी ऑर्डर किया, मैं नारियल पानी के वेट में हूँ। नारियल पानी पी के उसके बाद मैं रेडी होंगी और फिर चलेंगे हम लोग मंदिर। बच्चे पहुँच चुके होंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे, चलते हैं। जय माता दी। पहले वेट कर लेते हैं नारियल का। बाबू मैंने पी लिया है नारियल पानी और अब मैं करवा रही हूँ अपने ड्रेड्स की केयर, जो कि हेड बाथ से पहले भी करानी पड़ती है और हेड बाथ के बाद भी। और मेरी हेड केयर कौन कर रहा है ये देखो, सुबह सुबह देखो सबके मुंह सूजे पड़े हैं हम लोगों के नींद में, क्योंकि हम लोगों की नींद कभी पूरी नहीं होती, कभी थकान की वजह से पूरी नहीं होती, कभी किसी वजह से पूरी नहीं होती। तो अब बस ये केयर करने के बाद मैं जाऊँगी नहाने और मैं दिखाती हूँ मैं आज क्या पहन रही हूँ। एज़ यूजल मम्मी के हुक्म है कि 1.25 महीने तक येलो ही पहनना है गद्दी पे, तो मैं येलो ही पहन रही हूँ। और मैं उसके साथ पहन रही हूँ ये वाली ज्वेलरी जो इसी सैटरडे को गुरुधाम में बच्चे लेकर के आए थे। और साथ साथ मुझे ये देखो, ये मेरे घुंघरू जो हैं मम्मी जो पहनती है गद्दी पे घुंघरू, तो वैसे एक जोड़ी तो रखे थे बट ये एक जोड़ी पता नहीं कब से मैं रख के भूल गई थी, ये भी मिल गए हैं मुझे। और उस सेट के साथ इस बार मैं पहनने वाली हूँ मंगलसूत्र, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगा। मुझे इस तरीके के बड़े बड़े मंगलसूत्र बहुत सुंदर लगते हैं, ये भी गुरुदान पे आया था तो मैं ये पहनने वाली हूँ, येलो सूट पहनने वाली हूँ। अब जैसे भी जो भी माँ भगवती श्रृंगार लेंगे, अभी कुछ पता नहीं है मुझे, देखते हैं। ये मैंने मिल ले लिया है क्योंकि सूट के साथ मैच कर रहा है और मंगलसूत्र मुझे प्यारा लगा था। तो अभी 8:15 हो चुके हैं, इसके बाद धीरे 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 सारी चीज़ें निपटाते हुए। और यहाँ पे आपको आवाज़ें सुनाई दे रही है जो बैकग्राउंड में, ये मेरी औलादें खेल रही हैं, ठीक है। चलिए अब आगे आगे जैसे रहेगा आपको बताते हैं। तो माँ भगवती ने लिया है कुछ इस तरीके का श्रृंगार, बहुत ही ज़्यादा सिंपल माँ ने श्रृंगार लिया है आज के दिन। और मुझे नहीं पता क्यों लिया है ऐसा श्रृंगार माँ ने, वो तो माँ ही बताएंगे बाकी। और मेरे कान में हो गया दर्द क्योंकि मुझसे खिंच गया है। और मैं पहन रही थी चलते टाइम मुंडमाला, क्योंकि मम्मी मुझे मुंडमाला पहनाती हैं, शुरुआत से पहनाती हैं। तो एक तो मैंने पहन ली, ये रही आप देख रहे हो, ये रही बारीक वाली, और दूसरी वाली जो है मैं पहन रही थी और ये पहनते पहनते खिंच के टूट गई, ये हो गई है कुछ इस तरीके की, अब मुझे ठीक करानी पड़ेगी। तो मैं सिर्फ सिंगल पहन के जा रही हूँ और बस आप लोगों से बात करने के बाद, जब मैंने वीडियो बनाई थी वो जब कोमल मेरी ड्रेड्स की केयर कर रही थी आफ्टर केयर, उसके बाद थोड़ा बहुत किया किचन में काम और उसके बाद मैं हूँ रेडी। और हो चुके हैं 9:30, हमें लेने आने वाला है कुलदीप और मैं कर रही हूँ कुलदीप की वेट। और बस आ जाएगा तो हम निकलते हैं फिर, रास्ते में तो ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, क्या कर सकते हैं। और हो सकता है आज मंदिर में भीड़ हो क्योंकि आज होली से पहले का शनिवार है। वैसे तो मैं इन्फॉर्मेशन देना भूल गई थी बच्चों को कि आज धागे वागे बदलवाने थे, और जिन बच्चों के साल भर में संकट कटे हैं दिवाली के बाद, वो लोग होली पे आकर के अपना संकट कटवा के जाएंगे। मैं भूल गई हूँ, आज ही होना था, लेकिन आज ही हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन अब मुझे उनको होली वाले दिन बुलाना पड़ेगा। अगर मैं आज बुला लेती तो मैं मेरा होली वाला दिन जो है वो फ्री हो जाता, बट अब मुझे उनको होली वाले दिन बुलाना पड़ेगा क्योंकि मैं उनको यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन देना भूल गई थी, तो जा करके वो भी बताना है। चलिए जय माता दी। ओम सायंकाल का। हम लोग निकल चुके हैं राजापुरी से और कुलदीप टाइम से नहीं, आधा घंटा लेट आया है, लेकिन फिर भी आज हम जल्दी हैं। अब बस रास्ते में ट्रैफिक ना मिले तो हम फटाफट पहुंच जाएंगे, लेकिन ट्रैफिक यहीं से शुरू हो चुका है। वैसे तो राजापुरी से ही शुरू हो चुका है, कोई नई बात नहीं, अब तो रोज रोज का यही है कि ट्रैफिक 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 जब तक चल रहा है जब तक चल रहा है। पहुंचते हैं अभी क्योंकि मंदिर में काफी भीड़ है मुझे पता लगा है, और पहुंच रहे हैं हम मंदिर, आप लोग भी चलिए हमारे साथ। जय माता दी। देखो जी ये हमारे कुलदीप ने ये लगाया है जो आपको बताया था ना मैंने, कोई बच्चा बना के लाया था
बनबोरी से बना के लाए थे पंडित जी, तो उन्होंने दिया था, काफी सारे दिए थे, कार्टन भर के दिया था, तो बच्चों ने अपनी गाड़ियों में लगा लिया। मेरी गाड़ी में लगा। अच्छा, पहला कुलदीप की गाड़ी में लगा है, मैंने अभी देखा, अच्छा लगा। एक और बंदे से मिलाना भूल गई, कहाँ कहाँ, ये देखो आज रोशनी हमारे साथ जा रही है मंदिर। ये ललित की गलती की वजह से आज हमारे साथ जा रही है, लेकिन इसका हो गया फायदा। मेरे को आप सबको बताया कि येलो सूट पहनने थे या येलो ड्रेस पहननी थी सवा महीना माँ के आदेशानुसार, तो सूट उसको दिया हुआ था सिलने के लिए, और वो ये अभी लेके आई है जब तक मैं रेडी हो चुकी थी। ठीक है, तो अब ये ललित की वजह से उसकी एडवांटेज, वैसे तो लेट हो गई क्योंकि सूट लेट आया, मैं पहले ही रेडी हो चुकी थी, उसके भरोसे मैं रह जाती, हमेशा ऐसा ही करता है वो, और लेकिन फिर भी इसका फायदा हो गया कि जा मंदिर ही गई थी तो हमारे साथ जा रही है। हम लोग अभी तक द्वारका के एक सेक्टर की बत्ती पे भी नहीं आए हैं, और मैं दुखी हो चुकी हूँ इस ट्रैफिक से, और मेरा मन कर रहा है मैं वापस भाग जाऊँ, क्योंकि सच में मेरे बस की नहीं है इतना ट्रैफिक रोज रोज झेलना, मैं परेशान हो चुकी हूँ। ऊपर से आज मेरा मीठे का व्रत है, कुछ खाने को मिल नहीं रहा है, सैटरडे मेरे मीठे के व्रत होते हैं, नमक के बिना मैं वैसे इरिटेट हो जाती हूँ, अब मैं और क्यों दुखी। मंगलवार और शनिवार को माँ की चौकी लगती, लाखों भक्त हैं आते यहाँ पर सबकी झोलियाँ भरती। मंगलवार और शनिवार को माँ की चौकी लगती, लाखों भक्त हैं आते यहाँ पर सबकी झोलियाँ भरती, सबकी झोलियाँ भरती। राजपुरी और छतरपुर में हो रही जय जयकार, राजपुरी और छतरपुर में हो रही जय जयकार। ओम साईं माँ कालिका का बन गया दरबार, ओम साईं माँ कालिका का बन गया दरबार, ओ देखो बन गया दरबार। मन के श्रद्धा से जो फूल माँ को चढ़ाए तीन हाथ। अभी रात के मतलब रात ही हो गई क्या, हाँ 7:15 हो चुके हैं बाबूजी, और हम लोग जा रहे हैं राजापुरी, हमें आए हैं गुरुजी लेने इस समय, और कल है 6 तारीख यानी कि होली का दहन, तो कल दरबार में संकट कटेंगे, बच्चे जिनके जो भी कार्य रहे हैं कढ़ाइयां वढ़ाइयां चढ़ेंगी, जिन्होंने साल भर में माँ बाप होते जिनके जो जो काम किए उन सबकी कढ़ाइयां चढ़ेगी, बच्चों की जात लगेगी, जिन बच्चों को बच्चे यहीं से मिले हैं उनकी जात लगेगी, तो कल बहुत ही भयंकर हैट्रिक डे होने वाला है, कल पहुंचना है हमें सुबह, तो अभी पहुंच के हम जाके रेस्ट करेंगे। कल होली खेली गई थी दरबार में तो सबको एलर्जी हो चुकी है, इतना रंग और कलर खेला है, कोमल को हो चुका है कोल्ड, तो अब जय माता दी मम्मी के भरोसे है कल का, थकान इतनी नहीं है अभी क्योंकि हम लोगों ने रेस्ट कर लिया था और हम लोग रेस्ट करके आ रहे हैं वहां पर, लेकिन फिर भी जो रेस्ट घर पे होता है वो बाहर नहीं होता, तो अभी पहले हम पहुंचते हैं राजापुरी, फिर आपसे मिलते हैं कल के ब्लॉग में। जय माता दी, हम जाएंगे कल का।